इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना अगर आलमी वबा बनकर आई है तो भारत देश में कई सारी धुंधली तस्वीरों को साफ करने के लिए भी कोरोना ने अपना किरदार निभाया। पहले तो तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया, तबलीगी जमात की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, फिर इससे हिंदू मुस्लिम का घिनौना खेल खेलने की कोशिश की गई, वक्त भी गुजरता गया और एकाध मरीज पर हंगामा करने वाले हर शहर में हजारों मरीज पर खामोश नजर आने लगे, जिन्होंने किसी धर्म विशेष को इस कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराकर नफरत का जहर घोलने की कोशिश की थी, उनके भी घर तक जाकर कोरोना ने दस्तक दी। मेरा मकसद किसी को तंज करना नहीं है, पर सच्चाई यही है कि अगर कोई इदारा, कोई तंजीम किसी धर्म जात पात का लिहाज न करते हुए दफन और दहन कर रही है तो इस पर भी एतराज क्यों। और वाकई जैसे कुछ फिरका परस्त कह रहे हैं कि मखसूस मजहब के लोग आगे आकर दफन दहन कर रहे हैं जिससे आत्मा को शांति नहीं मिल रही, तो उन फिरका परस्त जहन के लोगों से गुजारिश है कि फिर आप क्यों आगे नहीं आते और आगे आकर क्यों दहन या अंतिम संस्कार क्यों नहीं करते। कहने का मतलब यही है कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, मुश्किल वक्त में जो काम आता है वही इंसान है। लिहाजा एक और वाकया बेलगाम शहर के करीब हुदली गांव में पेश आया। एक बुजुर्ग खातून की मौत कोरोना से हुई तो मानो गांव में सन्नाटा छा गया। सड़कें सुनसान, घरों के दरवाजे बंद हो गए और अगर रात का मंजर देखा जाए तो सिर्फ जिस घर में मौत हुई है उसी घर के दरवाजे खुले और बाकी सारा गांव बंद है, सन्नाटा छाया हुआ था। उस घर में और भी लोग थे पर सभी डरे सहमे हुए थे। जब घर के ही लोग डरे सहमे हैं तो फिर किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। लिहाजा इन्हें अंजुमन इस्लाम से कुछ लोग दहन और अंतिम संस्कार करने की खबर हासिल हुई थी तो उन्होंने अंजुमन से राब्ता किया और अंजुमन की बरियल टीम अपने काम पर निकल पड़ी। अंजुमन इस्लाम की बरियल टीम की 27 पूरे रियासत में की जा रही है। आधी रात को जाकर इस टीम ने बुजुर्ग खातून की हिंदू रस्म रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किए और घर वालों को किसी तरह से ना डरने की हिदायत भी दी। किसी भी मुश्किल वक्त में अगर कोई जरूरत पड़े तो अंजुमन से राब्ता करने के लिए मोबाइल नंबर भी दिया। बरियल टीम के खासकर अशफा गोरी, अमीन पट्टीकरी, समीर नायक, मुदस्सर, तबरेज मनियार, वसीम पटेल शरीक रहे, जिन्होंने देर रात तक अंतिम संस्कार को अंजाम दिया। इस काम के लिए वाकई ने मुबारकबाद। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।